हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेम डायमंड क्रीम ब्लीच स्पार्किंग वाइट शाइन का रिव्यू वीडियो। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में रिसीव्ड होता है और जिसका MRP है 78 रुपीज़, बट ये डिस्काउंट पे मुझे रिसीव्ड हुई थी और शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स की। और इस तरीके से इसमें सैशे रिसीव्ड होते हैं, जो कि एक पहला है प्री ब्लीच क्रीम और दूसरा है पोस्ट ब्लीच क्रीम, जो कि इटसेल्फ डायमंड फेम स्पार्कलिंग वाइट शाइन के साथ आता है। और ये सारे ही इन्होंने टोटल वेट बताया है 30 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें क्रीम का वेट है 21 ग्राम और पाउडर एक्टिवेटर का 3 ग्राम, प्री ब्लीच का 3 ग्राम और पोस्ट ब्लीच का 3 ग्राम। तीन शैशे हैं, सब में एक एक ग्राम प्रोडक्ट है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा होता है तो उसको फिर बंद करके रखो और बाद में रीयूज़ करो तो वो थोड़ा अनहाइजीनिक लगता है। और इसकी क्वांटिटी भी सफिशियंट है एक बार यूज़ करने के लिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री ब्लीच से। तो ये हमारी प्री ब्लीच कुछ इस तरीके की है और थोड़ी लिक्विडी फॉर्म में है। स्मेल काफ़ी अच्छी सी लग रही है एंड थोड़ी शाइनी पार्टिकल्स है। इसको आप फेस वॉश करके प्रॉपरली नॉर्मल वाटर से इसे पहले अप्लाई करके तब ब्लीच में एक्टिवेटर मिला के तब फेस पे अप्लाई कीजिए। इससे अप्लाई करने से क्या होता है, स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, जिससे स्किन उतनी हार्म नहीं होती, स्किन को जलन बहुत ज़्यादा नहीं होती। बेसिकली हम ब्लीच यूज़ करते हैं अपने जो फेशियल हेयर्स होते हैं उन्हें वाइट करने के लिए, उन्हें थोड़ा लाइटर शेड में लाने के लिए, ताकि वो कॉम्प्लेक्शन अपने आप थोड़ा लाइटर हो जाता है, स्किन बिल्कुल भी गोरी नहीं होती। अभी आप इसमें आगे देखेंगे, मैंने इसे पैच टेस्ट अपने हैंड पे करके शो किया है। और ये इस क्वांटिटी में थोड़ा सा मैंने क्रीम लिया है और एक्टिवेटेड पाउडर लिया है। इसको हमेशा ही कोई ग्लास के या प्लास्टिक कंटेनर में मिक्स करें, कभी भी एल्युमिनियम टीन इसका यूज़ ना करें, क्योंकि मेटल जो होता है वो ब्लीच से रिएक्ट कर जाता है, तो वो मे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये हमारे जो फेस पे बहुत छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, उन्हें गोल्डन कलर का शेड दे देता है, ताकि हमारा फेस और ग्लोई और शाइनी लगने लगे। स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्री क्रीम यूज़ होती है और पोस्ट होती है उसके इफ़ेक्ट को इन्हेंस करने के लिए। और बीच में इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे एक्टिवेटर पाउडर को और क्रीम ब्लीच को, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करें, ताकि ये बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। और इसको 40-50 सेकेंड रख के तब अपने फेस पे अप्लाई करें, क्योंकि थोड़ा से अच्छे से वो घुल जाती है, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। फेम के दूसरे फ्लेवर जो होते हैं वो मैंने यूज़ किए हुए हैं, बट डायमंड स्पार्किंग वाइट शाइन पहली बार मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने अपने हैंड के इस हिस्से पे लगाया हुआ है और इसको मैं आफ्टर 15 मिनट्स वॉश करके दिखाऊंगी। इवन मैंने अपने फेस पे भी लगाया हुआ है बट। और ये पूरा पैक जो है ये 3 यूजेस के लिए होता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हाथ पे, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा दिख सकता है, अलग सा लग रहा है कि साफ़ है, या फिर यहाँ के जो हेयर्स हैं उसको रिमूव कर दिया गया है या कुछ भी, बट मैंने हेयर्स रिमूव नहीं किए हैं, बट वो गोल्डन हो गए हैं इसलिए विजिबल नहीं होते हैं। तो यही फ़ायदा होता है कि जो लोग अपने फेशियल हेयर नहीं हटाना चाहते हैं, तो उनके लिए ब्लीच बहुत अच्छे से वर्क करती है। और इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छे से इसने पूरे फेस पे काफ़ी अच्छे से ब्लीच कर दिया है और सारे बाल गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, और वो लगता है कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है उससे। और जब हम अपना कोई भी क्रीम फाउंडेशन लगाते हैं तो वो अच्छे से उसके अंदर सेट हो जाता है, नहीं तो फिर बाल अंदर से ब्लैक ब्लैक दिखते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है, जो जैसे कि हमारे अपर लिप्स पे होते हैं या कुछ भी। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस करने के बाद हम यहाँ पे पोस्ट ब्लीच क्रीम का यूज़ करेंगे। और ये प्रोसेस कैसे करना है, कैसे पार्ट बॉडी पार्ट पे आपको इस पहले पैच टेस्ट करना है, वो इसके जो यूज़र मैनुअल दिया हुआ है उसमें मेंशन कर रखा है। इसमें काफ़ी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। और फेम ब्लीच के 7 अलग और वेरिएंट्स आते हैं, डायमंड गोल्ड, अल्ट्रा डी टैन गोल्ड, सैफरन पर्ल और टर्मरिक का।
इसका रिजल्ट मेरे लिए बहुत अच्छे आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसको मैं रेट करूँगी 5 out of 5। और ये वर्थ ऑफ मनी, अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं 78 rupees, तो रिज़ल्ट मिल जाएगा। और इसको नायका से मैंने कुछ डिस्काउंट पे परचेज़ किया था, तो ये इसका ओवरऑल रिज़ल्ट बढ़िया रहा। इसका छोटा पैक भी अवेलेबल है, अगर आप ट्राई देना चाहते हैं तो वो परचेज़ कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।